हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे और अच्छे रहना। तो गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए और एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज आप सभी लोगों को दिखाएंगे कि एक बेस्ट फास्ट चार्जर वाला जो मोबाइल होल्डर है हमारी एंटोर के ऊपर इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो गाइस, LGP कंपनी का ये जो हमारी मोबाइल होल्डर है स्कूटी के ऊपर लग जाएगी। तो मॉडल नंबर है मिरर होल्डर USB फास्ट चार्जर। तो ये आप लोगों का अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ऐसा ही देखने के लिए होगा, इसके अंदर है, ऐसा ही पैकेज में आए थे हमारी। फर्स्ट आप लोगों को मिल जाएगा ये एक LN की और स्क्रू जो हमारे मिरर के ऊपर इंस्टॉल होंगे ऐसे ही। तो पूरा दिखाएंगे आप लोगों को। और इस पैकेट के अंदर है मेन जो यूनिट मोबाइल होल्डर, ये पूरा मेटल की बनाया है। यहाँ पे है चार्जर, फास्ट चार्जर। पहले ये आते थे यहाँ पे, वो ग्लू की मदद से चिपका हुआ था, वो निकल जा रहा थे, उसी लिए वो नहीं लिया हूँ हम लोगों ने। तो आज आप लोगों को दिखाएंगे कि ये जो मोबाइल होल्डर है LGP का, ये कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आप लोगों का एंटोर को बाहर दूसरा कोई स्कूटी के ऊपर। 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की चार्जर है, तो हम लोग इसको लगाएंगे हमारी एंटोर के ऊपर। पूरा कनेक्शन दिखाएंगे, ये पूरा वाटर प्रूफ है, यानी सीएन के साथ कनेक्शन करेंगे। तो इस चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करता हूँ आज का वीडियो। कैसे इंस्टॉल करता हूँ वो भी दिखाएंगे, इग्निशन के साथ कैसे कनेक्शन करेंगे वो भी पूरा दिखाएंगे। पूरा वीडियो देखना, ठीक है? तो वैसे चलिए। तो वैसे देख लीजिए, हमारी एंटोर्क यहाँ पे खड़ा है। तो इसका जो लेफ्ट साइड की मिरर है, इसके साथ हम लोग इसका ऊपर ही हम लोग इंस्टॉल करेंगे हमारी जो मोबाइल होल्डर है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा जो हजार्ड फ्लासर की वो स्विच यहाँ पे इंस्टॉल किया हूँ। इसके नीचे वो जो हमारी जो मोबाइल होल्डर है वो इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस दिखाता हूँ, पहले इसको हम लोग खोल लेंगे। तो गाइस हम लोग 14-15 नंबर की जो डाल रेंज होती है वो यूज किया हूँ। खोल लेंगे पहले इसको। तो गाइस ये जो हमारी मोबाइल होल्डर की एंगल है, इसको हम लोग लगाएंगे हमारी मिरर की ये बोल्ट के साथ, ऐसे करके यहाँ पे लगा के हमारे जो स्विच है इसको भी लगा देंगे। तो हम लोग इसको टाइट कर देंगे। तो गाइस देख लीजिए कैसे हम लोग जो हमारी मिरर के साथ मोबाइल होल्डर की एंगल इंस्टॉल किया हूँ। ऐसे करके आप लोग लगा सकते हो। इसके बाद हम लोग लगाएंगे हमारी मोबाइल होल्डर। यहाँ पे जो स्क्रू देख पा रहे हो आप लोग, ये जो स्क्रू है ये हमारी लग जाएगा इधर ऐसे करके। यहाँ पे एक स्क्रू है LN की मदद से हम लोग इसको टाइट कर देंगे। तो ये प्रोसेस भी आप लोगों को दिखाता हूँ, चलिए। तो गाइस हम लोग जो मोबाइल होल्डर की पूरा इसके साथ टाइट वाइट कर दिया। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ इसका जो कनेक्शन है हम लोग इग्निशन के साथ कैसे करेंगे। तो चलिए दिखाता हूँ। तो गाइस पहले इग्निशन के कनेक्शन करने के लिए हम लोगों को जो सामने का बोनेट है इसको खोलने हैं। इसको खोलने के लिए आप लोग जानते ही होंगे यहाँ पे दो एक स्क्रू, यहाँ पे एक स्क्रू है, वो आप लोगों को अनस्क्रू कर लेना है। उसके बाद सामने की तरफ खींचेंगे तो वो पूरा बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये हम लोग खोल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे।
तो गाइस हमारी जो मोबाइल होल्डर की वायर है, दोनों वायर, ये जो हमारी मिरर की छेद है इसके से, इसके अंदर से यहाँ से हम लोग यहाँ से जो बैटरी के यहाँ पे लेके आ गए हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे कनेक्शन करेंगे। हमारी जो DRL के लाइट है सामने का, ये इग्निशन ऑन करने से ऑल टाइम ऑन रहता है। इसका जो यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे जो आप लोग उसका जैक है हेडलाइट का, वहाँ से प्लस पॉइंट से हम लोग एक वायर लेके आया हूँ। ये जो हमारी वीडियो है उन सामने हजार्ड फ्लशर इंस्टॉल करने की, मिनी फॉग लाइट इंस्टॉल करने की वीडियो में हम लोग बताया हूँ कैसे आप लोग ये कर सकते हो। वो जो हमारी हेडलाइट की जैक है वहाँ से इग्निशन की वायर लेके यहाँ पे लेके आया हूँ, और एक वायर हमारी डायरेक्ट बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल पे हम लोग लगा दिया हूँ। ठीक है, चाबी ऑन करने से यहाँ पे लाइन आएगी, तो वैसे दिखा देता हूँ ऐसे ही कनेक्शन करेंगे आप लोग। तो ये जो वायर दोनों है, ये रेड कलर की पॉजिटिव का वायर है मोबाइल चार्जर की, हम लोग ये जो वायर लेके आया हूँ इग्निशन की, यहाँ से हम लोग पॉजिटिव वायर में कनेक्शन कर देंगे। और ये जो ब्लैक कलर की नेगेटिव का वायर है, ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ से बाहर की तरफ छिल लेंगे। छिलने के बाद यहाँ पे बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ से कनेक्शन कर देंगे। तो वैसे देख लीजिए, ये जो हमारी नेगेटिव का वायर है हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और जो पॉजिटिव का वायर है ये रेड कलर की, यहाँ पे जो हमारी इग्निशन के यहाँ से जो वायर आ रही है प्लस पॉइंट, वहाँ से हम लोग कनेक्शन कर देंगे। अभी हम लोग इसको टेप कर दिया, अच्छा से फिटिंग कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ दिखाता हूँ। तो वैसे हमारी जो मोबाइल होल्डर है पूरा कनेक्शन हो चुकी है, इंस्टॉल भी कम्प्लीट हो गया। तो इस चाबी आर करने से यहाँ पे जो एक LED लाइट है ब्लू कलर की दिखाता हूँ, ये हम लोग इग्निशन ऑन किया हूँ, और यहाँ पे देख पा रही है जो ब्लू कलर की लाइट है ऑन हो चुकी है। तो अभी हम लोग इसके अंदर USB चार्जर की जो वायर है वो लगाएंगे, और हमारी एनटॉर्क के साथ हमारी मोबाइल को चार्ज करेंगे, देखता हूँ कितना फास्ट चार्ज होती है। तो गाइस ऐसा ही दोनों रबर दिया गया है यहाँ पे लगाने के लिए, जो मोबाइल है वो वाइब्रेशन नहीं होंगे। ऐसे हम लोग स्टिक कर देता हूँ, तो गाइस अभी हम लोग लगाएंगे जो USB चार्जर यहाँ पे। तो ये अभी हम लोग इसका ऑन करेंगे चाबी, और चार्जिंग हो रही है देख लीजिए। जब आप लोग इस मोबाइल चार्ज करेंगे, आप लोगों का एनटॉर्क का स्टार्ट ऑन कर देंगे, तो और ज़्यादा फास्ट चार्ज होने लगेंगे। अभी हम लोग हमारी GoPro को चार्ज करके दिखाएंगे आप लोगों को, जब लॉन्ग ट्रिप पे हम लोग जाएंगे GoPro की बैटरी चार्ज करेंगे इस मोबाइल चार्जर से। इसको टाइप सी से कनेक्ट कर दिया हूँ, और हम लोग इग्निशन ऑन करता हूँ, तो हाँ चार्ज हो चुका है। तो ये देख लीजिए GoPro भी चार्ज हो रही है। हम लोग इग्निशन अप करता हूँ, तो यहाँ पे चार्ज का जो सिंबल है जा रही है, और हम लोग चार्जिंग इग्निशन ऑन करता हूँ तो आ जा रही है। हमारी GoPro 100% चार्ज है उसीलिए, तो ठीक है। तो गाइस कैसे लगा हमारी इंस्टॉलेशन वीडियो, आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो को शेयर कर सकते हो, और हमारी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पे भी जो नीचे लिंक जो नेम आ रही है राइडिंग विद फारूक, वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हो। और
वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। हम लोग मोटिफिकेशन और राइट रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।